पर्यावरण की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए उसके लिए ग्रीन क्लब, ये सभी चीजों का हम कॉलेज के अंदर एक भाग के स्वरूप में हम आप लोग को पढ़ाते हैं। बड़े नसीब वाले हैं आप लोग, पहले एनएसएस के मार्क्स गिने नहीं जाते थे। अभी मैं आपको बता रहा हूं 2021 और सीबीसीएस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सभी जानना पड़ेगा आपको। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये क्या है, यूजीसी, ये पूरे देश की कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चलाती है, नियंत्रित करती है। अभ्यासक्रम कैसे बनाना है, कॉलेज की डिसिप्लिन कैसे लानी है, शिक्षा में कैसे आयाम लाने हैं, समाज के लिए क्या करना है, ये सभी बातों का चयन, ये सभी बातों का संकलन ये दिल्ली में बैठी यूजीसी करती है। हमारे ऊपर भी नियंत्रण है, आपको क्या पढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी तो करती है, लोकल लेवल के ऊपर जो यूनिवर्सिटी आप एफिलिएटेड हो वो यूनिवर्सिटी भी करती है, वो सरकार राज्य सरकार हो वो भी करती है, लेकिन उसके ऊपर केंद्र सरकार के त्रिस्तरीय सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है ना लोकशाही का, हमारे देश में चलने वाला जो शासन है ना उसकी त्रिस्तरीय सिस्टम है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल प्रशासन। ये सभी चीज को आप समझना पड़ेगा, आपको अभी आपको जानना पड़ेगा। आप जानते हो, आपने पढ़ा है, लेकिन ज्ञात नहीं है, जानना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय सेवा योजना का बड़ा महत्व, इसलिए मैं बता रहा था कि दो क्रेडिट मार्क्स अभी अभी एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट के अंदर हम लोग काम करते हैं। 2021 नई शिक्षा नीति में बार बार उल्लेख कर रहा हूं दोस्तों, 50 साल के बाद इस देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदली हुई है और उसका पहला इंप्लीमेंटेशन गुजरात के अंदर हमारे वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया हुआ है। और उसी के संदर्भ में आपको बात कर रहा हूं कि अभी पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनने वाला है मार्क्स का। आपके मार्क्स राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गिने जाते हैं, इसीलिए मैं कई बार बता रहा हूं कि आप देहात के स्टूडेंट नहीं है, एक शहर के स्टूडेंट नहीं है, आप ग्लोबल स्टूडेंट हो। धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ही क्रेडिट मार्क्स जमा होते जाएंगे। आप इंडिया के स्टूडेंट नहीं है, आप ग्लोबल स्टूडेंट हो, ये धमक मेरे में आनी चाहिए, ये गर्व पैदा करना पड़ेगा। हम सारी गतिविधियों में भाग ले, गतिविधियों को जाने, गतिविधियों का मतलब समझे और उसकी फलश्रुति हमें मिलनी चाहिए। कोई भी चीज हो दोस्तों समझना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरा कैरियर बन रहा है, इतने साल में बिगाड़ रहा हूं शिक्षा के अंदर, उसका कोई मतलब है। मेरा कैरियर कैसा बने, आने वाले कल के लिए समाज को मैं कैसे काम आऊं, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये समानता भी हमें होती नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना आपको युवा स्थिति के अंदर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ये सिखा रहा है कि सेवा क्या है, योजनाएं कैसे बनानी है, आपत्ति के दिनों में हम काम कैसे करें। मुझे गर्व हो रहा है एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स ने कोविड के अंदर हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, हम देखते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसी स्कीम है जो स्कीम के अंदर भारतीय युवाओं को जोड़ा जाता है और उसको आने वाले कल के लिए एक सही युवा बनाने का काम ये राष्ट्रीय सेवा योजना कर रही है। कई सारी कॉलेजेस में ये चल रहा है, यूनिवर्सिटी में चल रहा है, उसके राज्य सरकार ने एक पारितोषिक भी, एक बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर और बेस्ट कैडेट उसमें भी हर साल इनायत कर रही है, उसमें भी आप जा सकते हो। और मैं तो ऐसा ही बोल रहा हूं, अभी हम लोकल लेवल पे नहीं खेले, हम लोकल लेवल पे ना देखे, हम एक ग्लोबल स्टूडेंट है, एक अमेरिका जापान में पढ़ने वाले विद्यार्थी से मेरा विद्यार्थी अलग है। मैं बता रहा हूं कि हम लोग आज तक फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाते थे, आने वाला कल ऐसा आने वाला है जब लोग यहाँ भारतीय संस्कृति में कैसा पढ़ा जाता है उसके लिए लाइन लगाने वाले हैं। यूनिवर्सिटियां थी उसको रिवाइव किया जा रहा है, इस सरकार ने वो भी काम किया है। आज आपने पढ़ा होगा गंगा के अंदर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सरकार भी बदल गई है, सरकार की विचारधारा बदल गई है, अच्छे विचार को अभी मूल्य हो रहा है, विद्यापीठों को सवारा जा रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहा है, नदियां जुड़ रही है, अलग अलग काम हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, जागरूकता आ रही है। उसी में हमें अपने आप को आगे कैसे लाना है, ये काम कई सारी गतिविधियों को जोड़कर हमें करना पड़ेगा। हमारा काम विद्यार्थी के तौर पे आने के डिग्री लेने के लिए नहीं आते हम, आपको यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, आपकी जिंदगी का एक ट्रेनिंग सेंटर यानी महाविद्यालय होता है कॉलेज, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों।
अभी ट्रांसपेरेंसी इतनी जागरूकता किसके लिए है? सरपंच के इलेक्शन में आप देखिए, मैं आ रहा हूँ सूरत से, आता हूँ तो मैं हर जगह बोर्ड देखता हूँ, और जब फोटो देखता हूँ तो दिखता है कि मेरा नागरिक जागरूक हो गया। पॉलिटिकल लीडरशिप भी अच्छे लोगों को मिलने का काम शुरू किया है। आधे तो समाचार है कि भ्रष्टाचारी पकड़ा गया, लास्ट प्लेन पे पकड़ा गया, आप देखिए देखना आगे आगे ऐसी बन जाएगी कि जब हमें पता चलेगा कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, पहले क्या था देखिए। अभी आप निकलते हैं तो दिखता है रोड बन रहे हैं, पानी अच्छी तरह आ रहा है। देखिए अभी प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा सूत्र दिया था स्वच्छता के लिए, आज कैसा बन गया। हर गांव में मैं जाता हूँ, वहां रोड है, वहां पानी है, वहां स्वच्छता दिख रही है, ऐसा नहीं। हमें भी उसमें जुड़ना, इससे अच्छा कैसे होगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति में पहले पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे, अभी आने लगे। क्यों? उसको मालूम पड़ रहा है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए, राजकीय स्वच्छता होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, राजनीति की शिक्षा होनी चाहिए। ये काम अभी शुरू हो गया है। अभी 1000 रुपए डालो तो भी थैली बहुत खाली होती है, भाव बढ़ गए, वो तो होने वाला है, मूल्य तो बढ़ेगा ना। आपका मूल्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप पढ़ने लगे कि नहीं लगे? आप शिक्षा लेने लगे कि नहीं? आप कितने अच्छे दिखने लगे? ये मूल्य बढ़ा हुआ है, आपके भाव बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बताओ, सभी चीजों का भाव बढ़ रहा है। वैल्यू इज वेरी इंपोर्टेंट। इस कॉलेज का भी भाव बढ़ना चाहिए। जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूं उसका वैल्यू अगर होगा ना तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको पूछेंगे लोग कौन सा विषय पढ़ रहा है, इसका विषय कौन सा पढ़ाया जा रहा है, आप कौन सी गतिविधि में भाग ले रहे हो, इसका क्या मतलब है। ये चीज अगर आप यहां से लेकर जाओगे और फोकस करोगे तो एनएच कॉमर्स का उसकी शिक्षा का भी नाम होगा। हम घर में अच्छा काम करते हैं, हम अच्छी अच्छे मार्क्स लाते हैं, कोई इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आते हैं तो आपका तो नाम होता है। किसका लड़का है, कौन से घर से है, कौन से गांव से है, ये कहने वाले कोई दूसरे नहीं होते, आप ही हैं। आप इसी ही होता है, इसी रूप में हमें परिणाम दिखेगा। और इसीलिए दोस्तों ये सामूहिक वर्क है। शिक्षा कोई एक आदमी नहीं दे सकता, शिक्षक सिर्फ पढ़ा सकता है, आपके दिमाग में घुस नहीं सकता, आपको जता नहीं सकता उसके दिल में क्या चल रहा है। उस दिल में जो चल रहा है उसको पहचानना पड़ेगा, आने वाले कल के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। जिस थाली में मैं खाता हूं उस थाली के अंदर जो चीज पड़ी है वो माने परोसी है तो मैं बिंदास खा लेता हूं, लेकिन मैं डाउट करने लगा तो उस माँ का मूल्य खलास हो जाएगा, आपका जन्म हुआ वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन जब शिक्षा में भी जब हम देखते हैं, जिस मंदिर के अंदर, जिस विद्या मंदिर के अंदर मैं आ रहा हूं उससे मैं वफादारी करूं, उसमें पढ़ाया जा रहा है उसको सच मानूं, अच्छी तरह पढ़ूं, अपने आप में मजबूत बनाऊं, और उसी का परिणाम जब दिखेगा तो उसका एक मूल्य बढ़ेगा। और ये कोई करता नहीं, वैल्यू कीमत जिसको हम गुजराती हिंदी कोई भी शब्द में ले लो वो कोई नहीं करता, वो अपने को खड़ी करनी पड़ेगी। कुटुंब का नाम कब होता है? जब हम सभी लोग काम करते हैं, कमाते हैं, सुखी होते हैं, लोग बोलते हैं कि सभी काम करते हैं और कमा रहे हैं, अच्छा घर है। कॉलेज कौन सा अच्छा होगा, महाविद्यालय कौन सा अच्छा होगा, शिक्षक अच्छे हैं उनपे हम विश्वास रखते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं उनपे विश्वास रखकर हम आने वाले कल के लिए परिणाम देते हैं। मुझे गर्व होता है दोस्तों, हॉकी वॉलीबॉल के अंदर इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर जब बच्चा गया और मुझे न्यूज मिली तो मैंने बड़ा आनंद हो गया। मैंने फेसबुक पे डाल दिया कि लोगों को बताओ आपके अंदर दिखे, कैसे पता चलेगा कि हाँ इंग्लिश का बच्चा इतना अच्छा है। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जज्बा रखना पड़ेगा, जज्बा होना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं नहीं होगी तो काम नहीं होगा। मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं देहात से आ रहा हूं, भूल जाने का अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक आवाडांग की लड़की ओलंपिक में खेल सकती है, एक चिकली की लड़की ओलंपिक में जा सकती है, मैं और आप क्यों नहीं जा सकते? कहां पैसा आया, कहां गरीबी आई, कहां देहात आया,